करते हुए, तो एक हेलमेट एक्स्ट्रा कैरी कर लेते थे, पहले अपना छोड़कर आ जाइए और दूसरा हेलमेट भी ऊपर ले आइए और काफी आराम से आप पीक्स दे सकते हैं। अगर एक हेलमेट पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो दूसरा भी उठा सकते हैं आप। जी हाँ बिल्कुल, ये चीज हो सकती है, थोड़ी बहुत वहाँ पे जो है स्टैक कर लीजिए आप। बट बात कीजिए यशना के बगल के ब्रिज की, यहाँ पे टीम गॉडलाइक इंतजार करेगी कब प्लेयर्स आएंगे, अपने आपको रिवील आउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती और जैसे ही प्लेयर्स आएंगे उनके ऊपर धाबा बोला जाएगा। कैंपिंग सिनेरियो हमें देखने को मिल सकती है इनकी तरफ से। बट बात करी जाए टीम रेकनिंग स्पोर्ट्स बगल पे ही मौजूद है और इस बार टीम गॉडलाइक अपनी मौजूदगी यहाँ पे प्रूव करती हुई नजर आ जाएगी। मैक्सिको देखा एक रोटेशन लेते हुए देखने को मिले थे, लेकिन बाकी टीम अभी भी मौजूद है उस गैस टैंक के पास एंड इस बार थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हुई नजर आ सकती है रेकनिंग के ऊपर। टीम गॉडलाइक एक अच्छी फॉर्मेशन के साथ नजर आ रही है जहां पे तीन प्लेयर्स आगे रह के खेल रहे हैं और एक प्लेयर ब्रिज के नीचे मौजूद है। मुझे जाना है कि वो किस तरह की फॉर्मेशन है, क्यों यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन यूज करा जाएगा। बट जी गॉड की तरफ से एक नेड आता हुआ और नॉक इस बार आता हुआ जरूर से टीम गॉडलाइक के फेवर में। आपने सवाल रखा था कि क्यों, आज उसका जवाब देने के लिए गॉडलाइक की टीम अग्रस्त करती है। आपको मिल जाएगी उतना ग्रेनेड गेटिंग दैट ओपनिंग डन, सिर्फ दो ही खिलाड़ी बचे हैं। सुंदर की पोजीशन कहीं ना कहीं क्लच को पता है, काफी इजीली ये पास इन डाउन कर दिया जाएगा। बट रेकनिंग का एक खिलाड़ी काफी दूर है, वो जो सामने डिप है उसके अंदर आपको रेकनिंग के मैक्सी मिलेंगे जो प्लेयर नॉक डाउन होने रिवाइवल मिल जाएगा। मैक्सी बेटर यू थ्रो सम ग्रेनेड्स एंड एग्जैक्टली ही इज डूइंग द सेम। ये ग्रेनेड्स काफी ज्यादा लीथल साबित हो सकते हैं अगर कनेक्शंस बनते हैं तो, एंड प्रोबेबली कनेक्शंस बनने भी चाहिए। बट काफी स्मार्ट गॉडल के प्लेयर्स उनसे पहले ही डिसएंगेज कर जाएंगे, उस एरिया से मूव इन कर जाएंगे। क्लच गॉड बल्ली बन के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट, जानते हैं कि कवर फायर अच्छे से मिल सकता है। गाड़ी के पीछे डिस्ट्रैक्ट किया, पीछे से एक बार प्लेयर को बुला लिया, क्या टैक्टिकल मूव था यहाँ पर ये मोनिश। आप पहले गाड़ी लेकर जाते हैं, सारा एम आपने अपने ऊपर ले लिया और पीछे से एक प्लेयर ओपन से ऑन फुट आता है एंड दिस इज व्हाट यू कॉल टैक्टिकल स्ट्रेटजी। काफी अच्छे तरीके की एग्जीक्यूशन यहाँ पर गॉडल के प्लेयर से, बट थोड़ा सा संभलना पड़ेगा बिकॉज पीछे से थर्ड पार्टी करने के लिए टीएसएम के प्लेयर्स भी आ चुके हैं। यहाँ पे गनशॉट जरूर से सुनाई दिए टीएसएम को और साथ ही साथ इन्हें पता भी है कि टीम गॉडलाइक थोड़ी बहुत तो यहाँ पे जरूर से घायल हुई होगी, थोड़ा बहुत तो एचपी यहाँ पे लूज अप हुआ होगा और इस अपॉर्चुनिटी का जरूर से फायदा उठाना चाहते हैं। ब्लेज की बात कर जाए, एक अच्छी ऑफ गार्ड पोजिशनिंग इन्होंने होल्ड कर रखी है और सामने पे एक क्लच गॉड को भी थोड़ी बहुत स्पॉट करने में कामयाब रहे थे। बट दूसरी तरफ शैडो का यहाँ पे नॉकआउट पॉसिबल हो चुका है और क्लच गॉड आएंगे फिनिश ऑफ के साथ एंड एक टोटल फिनिश इन टीएसएम के साथ निकालने में कामयाब जरूर से हो जाएंगे। बट बात करी जाए क्लच गॉड अगेन यहाँ पे घूमते घूमते थोड़े और जो है पोजीशनिंग यहाँ पे रिवील आउट करना चाहते हैं प्लेयर्स का। निंजा की बात कर जाए, पत्थर के कवर के पीछे घूमने का प्रयास करें, क्या पता है क्लच गॉड को, एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा क्योंकि अगर निंजा की पोजीशनिंग नहीं पता होगी निंजा इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में साबित आ सकते हैं। अभी तक के लिए काफी कॉन्फिडेंट नजर आया मुझे गॉडलाइक के प्लेयर्स और ये एरियस खोलेंगे दीपिका, लग रहा है नॉक निकल सकता है। देयर यू गो, पहले नियो और अब क्लच गॉड, दो बैक टू बैक नॉकआउट्स। टीएसएम की टीम बैक फुट पे आउट नंबर हो चुके बिकॉज़ नंबर ऑफ प्लेयर्स यहां पर कम बचे, बट प्रीएम्प्टिव ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए निंजा ने जॉनसन को नॉक तो कर लिया बट कवर फायर देखे, लाइन ऑफ फायर देखे, नियो यहां पर काफी इजीली टीम पास से एक बार प्ले को डाउन कर देंगे बट जॉनसन को फिनिश ऑफ होने से बचाना होगा। ब्लेज एक ऑफ गार्ड एंगल पे है, जॉनसन को क्विक रिवाइवल यहां पर देना होगा और जी गॉड जानते हुए कि सिर्फ एक ही प्लेयर है, आराम से वेट करें, कम से कम दो प्लेयर्स के साथ आगे जाएं और मैं तो कहता हूं कि अभी अनवांटेड रिस्क की जरूरत ही नहीं है। अगर बेस डिसएंगेज करते हैं तो उन्हें करने दीजिए बिकॉज यहां से कोई भी एक कैजुअलिटी गॉडलाइक के प्लेयर्स अफोर्ड नहीं करना चाहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि निंजा की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल है, पत्थर के पीछे छुपे हैं एंड उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहना एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। देखते ही देखते जॉनसन का नॉक आया था एंड यही चीज की मैं बात कर रहा था, अगर वहां पे पोजीशनिंग पता होती तो ये नॉक भी नहीं आता। बट टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स अभी के लिए मैनहंट पे जा रही, दो प्लेयर्स आगे रह के खेल रहे। ब्लेज क्या ये रिवाइवल पॉसिबल रहेगा क्योंकि उसके बाद उनके पास एक मिडफॉर्म का एडवांटेज रहेगा नियो के ऊपर एंड नियो नीचे उतरते पकड़े जाते हैं और उसी के साथ क्या एक नॉकआउट आया मुझे देखना अभी भी ये रहेगा। लेकिन हाँ यहाँ पे पानी भी रहने वाला है जो मोमेंटम जो यहाँ पे मोबिलिटी फैक्टर को कहीं ना कहीं डिक्रीज करता हुआ नजर आ जाएगा, यहाँ से चलना एक मुश्किल बन जाती है और इसी के साथ जी गॉड का भी फिनिश कंफर्म होता हुआ। यही चीज की मैं बात कर रहा था, टाइम बाय करने में कामयाब रहे थे टीएसएम के प्लेयर्स एंड एक रिवाइवल आज जरूर से गया था, आउट नंबर कर दिया था। आप कुश्तियों पे आएंगे, किश्तियों पे यहाँ पे कहीं ना कहीं फिनिश होते हुए चले जाएंगे और वही चीज होती हुई चली गई। यहाँ पे आप देखिए कि कहीं ना कहीं अपने नंबर्स को अपने फेवर पे करते हुए नजर आ रहे हैं टीएसएम एफपीएक्स। Exactly we were discussing, right, Munish? कि यहां से आप casualties afford नहीं कर सकते हैं। उधर से Jonathan को one shot के players ने third party में pick off कर लिया है। Higher ground जरूर से Clutch God के पास। इतनी नीचे हैं Blaze कि ऊपर तक crosshair भी नहीं जा रहा है। पानी के अंदर grenades करना चाह रहे हैं Clutch God, but क्या connections बन पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि वो एक pilot grenade था, हवा में ही फट जाएगा। अब जब नंबर इक्वेशन आपकी खराब हो चुकी है, आपके फ्रंटलाइन कमांडर Jonathan नॉक पड़े हैं, Z God की कन्वर्टेड कैजुअलिटी आ चुकी है, क्या आप अभी भी अफोर्ड करते हैं ये वाली फाइट को कंटिन्यू करना?
नियो एक ऑफ गार्ड एंगल से जाते हैं, क्लियरली स्पॉट आउट कर चुके हैं, बट मैं अभी भी देखना चाहूंगा क्या वो स्मोक ग्लिच है, बिकॉज हमारे एंगल से तो वो काफी क्लियरली विजिबल था, बट कमिंग आउट ऑफ नोवेयर वन शॉट इज एंजॉयिंग द थर्ड पार्टी, और ये जो सैंडविच है थर्ड पार्टी का बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा यू नो टीम गॉडलाइक को। Aquanox पानी के अंदर है, बहुत ज्यादा लो नेश भी है, बट क्लच गॉड बहुत ज्यादा टफ सिचुएशंस में स्पॉट जरूर से करा प्लेस को। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए वो भी पानी के अंदर है, इंटेल है, बट बात सारी यही है कि पीछे एक और टीम है जो इनके बाहर आने का इंतजार कर रही है। मैं इसी चीज की बात कर रहा था मायावी की, अगेन एक यहाँ पे पानी रहने वाला है, पानी आपकी मोबाइलिटी बहुत स्लो कर देगी और जिसके चलते दिक्कतें आ सकती है। स्ट्रगल हमें देखने को मिला जहाँ पे पीछे फॉलबैक करने के लिए कोशिश कर रहे थे Aquanox, लेकिन वो फॉलबैक हमें कामयाब होता हुआ नजर नहीं आया। इस बार कामयाब हो जाएगा, सामने पे एक अगेन स्मोक अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बट बात करी जाए क्या रिवाइवल पॉसिबल है, एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा, क्योंकि अगर फिर से रिवाइव कर दिया तो क्लच गॉड को आउट नंबर कर सकते हैं और आराम से इस फाइट को अपने फेवर पे ले सकते हैं। गॉड लाइक अगेन वो जोनाथन का कहीं ना कहीं कैजुअलिटी इनके फेवर पे नहीं आया, अब देखिए फाइट लूज कर सकते हैं और रिवाइवल पॉसिबल भी हो जाएगा, एक चांस रह जाता है यहाँ पे टीएसएम के पास कि वो आउट नंबर कर सकती है, आराम से फिनिश ऑफ सिक्योर कर लेगी और सारा जो फेवर है यहाँ पे वन शॉट के ऊपर बनता हुआ नजर आ जाएगा, जहाँ पे थर्ड पार्टी करेगी इन्हें जो आखिरी के फिनिशेस है वो निकल के आ जाएंगे इनके फेवर पे। बट अभी के लिए इस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है मुझे, वो जाना कि टीम गॉड लाइक क्या फिनिश करने में जाती है टीएसएम को या फिर अपने एक प्लेयर को यहाँ पे रिवाइव करेगी। What is happening, man? Bridge के एक तरफ से पहले एक नॉक निकलता है, फिर दूसरा प्लेयर उन्हें रिवाइव करने पानी से जाता है, अब राइट हैंड साइड पर जाके एक नॉक निकाला क्लच गॉड ने, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाके रिवाइवल देने की कोशिश कर रहे हैं। टीएसएम के प्लेयर्स पानी के अंदर रिवाइवल खेल रहे हैं, क्लच गॉड और नियो वहां पर नॉकडाउन है और वो रिवाइवल दे ही नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ टीएसएम के प्लेयर्स को चेस कर रहे हैं। आखिरी हंसी कौन हंस रहा है, यू नो ये वन शॉट की जो टीम है ये आराम से थर्ड पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, दैट एक्चुअली वेटिंग कि हमें कुछ मिल जाए रडार के अंदर, हम स्प्रेस करेंगे और काफी इजी फिनिशेस निकल जाएंगे। उधर फिनिश स्पीड में नाम आता है केविनी स्पोर्ट्स के वीरू का, जिन पे एक बढ़िया कार 98 का स्नाइपर शॉट कनेक्ट करते हैं। यहां पर हमारे साथ कुछ और मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है ओजी की तरफ से, हायर ग्राउंड ओजी का प्लस डाउन द रेंज ओमेगा, वीरू को रिवाइवल तो दे देंगे बट क्लच गॉड द लास्ट मैन तीन से ज्यादा बार टीएसएम के प्लेयर्स को नॉक कर चुके हैं, पीछे से वन शॉट के जो रैंडम प्रेडिक्टेड फायर्स आ रहे हैं उनसे भी किसी तरीके बच तो चुके हैं, बट अभी जो सिर्फ एक लीथल टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि टीएसएम के प्लेयर्स को एलिमिनेट करना है, बिकॉज एक्चुअली में इन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिया है। अब बारी 1v1 की, ब्लेज बिल्कुल ओपन से आ रहे हैं, फर्स्ट शॉट लगा ली थी वो लग चुके हैं, हेड टू हेड की फाइट रही है M4 के साथ, जिगल है नहीं, ओवर अग्रेशन काम नहीं आया, पहली फाइट